अमरोहा में कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी से किया उपचुनाव का प्रचार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश सिंह के लिए उपचुनाव में वोट मांगने को कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने नया तरीका इख्तियार करते हुए बैलगाड़ी से गांव-गांव जाकर वोट मांगे और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन चौधरी जो अमरोहा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने आज नौगांवा सादात विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही डॉक्टर कमलेश सिंह के चुनाव प्रचार के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ने का बकाया भुगतान नहीं दिया है और पेट्रोल और डीजल में ही कर दिया, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। हमें चुनाव प्रचार के लिए बैलगाड़ी से प्रचार करना पड़ रहा है क्योंकि हम तरसते हैं और हमें पेट्रोल के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया है, इसीलिए हम आपके सामने वोट की भीख मांगने आए हैं। आप कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दें और सफल बना। देखिए, ऐसा है, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आज गाड़ी पे बैठकर वोट मांगने पड़ रहे हैं। बैलगाड़ी पे किसान जो है ट्रैक्टर नहीं चला पा रहा है, जनरेटर नहीं चला पा रहा है, फसलें नहीं उगा पा रहा है। किसानों का 250 करोड़ रुपए अब भी गन्ने का बाकी है। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी को पंजे के निशान पर वोट देकर विजयी बनाए और तेल सस्ता करें, ये हमारा नारा है आज की डेट में। देखिए, तेल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, गाड़ियों में तेल नहीं है। आज के टाइम में किसान के पास जो उसका ट्रैक्टर चलाने के तेल चाहिए वो नहीं डलवा पा रहा है। इतनी बुरी स्थिति देश की है, बीजेपी वालों ने कर दी है कि जनता परेशान हो गई है, हाहाकार मच रहा है। इसलिए बैलगाड़ी से हमारी गाड़ियों में तेल नहीं है, मेरी खुद की गाड़ियों में तेल खत्म हो गया है, हमारे ट्रैक्टरों में तेल खत्म हो गया है और बीजेपी का भी तेल खत्म हो गया है। इसलिए हम लोग बैलगाड़ी से वोट मांग रहे हैं गांव गांव जाके, क्योंकि हमारे पास चलने के लिए तेल नहीं बचा। कहा है बीजेपी का वोट कल योगी कहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, योगी जी आ रहे हैं 100 लोगों की मीटिंग करने आ रहे हैं। अगर 100 लोगों से ज्यादा सभा योगी आदित्यनाथ करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। और प्रियंका गांधी की जी की 50,000 लोगों की सभा होगी अगर योगी जी की 100 लोगों से ज्यादा की सभा होती है, और हम उसका विरोध करेंगे। काले झंडे